नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से अपने वीडियो या वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर जो है म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका वॉल्यूम जो है वो अप एंड डाउन या तो म्यूट कर सकते हैं, और वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर दो वीडियो क्लिप्स हैं, तो हमको जो है जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको वॉल्यूम जो है उसको एडजस्ट करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ये वीडियो टूल की टैब जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और वहाँ से आप कर सकते हैं। सेम वे में इसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ दोनों को। ओके, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। और अब जो है एक हम इफ़ेक्ट डाल देते हैं, और इसमें भी हम म्यूज़िक डालने को बोल रहे हैं तो एक म्यूज़िक डाल देते हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये म्यूज़िक जो है ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है यहाँ पे। ओके, और इसको ट्राई करते हैं फिट टू अगर हो रहा है तो। में दो बार प्ले होने लगा है कि तो ये एक्चुअल में फोटोज़ जो है यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 32 सेकंड तक जो है स्ट्रेच हो चुके हैं, तो हमको ज़्यादा फोटोज़ इसमें डालने पड़ेंगे इन केस अगर फोटोज़ का उसको बेस पे जो है फिट टू करना है तो। और अब एक बार ट्राई करते हैं इसको। ओके, तो ये सॉन्ग जो है ज़्यादा मतलब ये सॉन्ग छोटा पड़ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको चलो हटा देते हैं और एक सॉन्ग डाल देते हैं। ये वाला डाल देते हैं, थोड़ा सा लंबा है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सॉन्ग जो है इसको आप डाल सकते हैं, फिर सॉन्ग को ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो एक ये म्यूज़िक टेप आ जाएगी और उसके अंदर ये सब ऑप्शंस आएंगे जिससे कि आप जैसे म्यूज़िक जो है आपको कहीं और जगह से स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे हमारा हेडर जहाँ पे था वहाँ से स्टार्ट हो गया, और अगर आपको उसको एडजस्ट करना है कि तो उसको आप म्यूज़िक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया है 27 सेकंड को, उसको आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि 20 सेकंड से स्टार्ट करना है, और आप उसको यहाँ से अप एंड डाउन एरो से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन एरो से भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट कई बार क्या होता है कि आपको सॉन्ग जो है वो स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, कुछ उसका जो पार्ट रहता है पिक टाइम रहता है वहाँ से आपको चाहिए। तो जैसे आप यहाँ से सेट कर दिए हेडर को और उसको सेट एज स्टार्ट पॉइंट कर दिया, तो वो आगे का जो पार्ट था वो ट्रिम हो जाएगा और स्टार्ट टाइम जहाँ से था वो तो वहाँ से ही शुरू होगा, पर जो सॉन्ग है वो ट्रिम हो जाएगा। और उसी तरह से आप एंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा सॉन्ग नहीं चाहिए, सॉन्ग का कोई पार्ट चाहिए, तो जैसे यहाँ पे आप सेट कर दिए और उसको सेट एज एंड कर दिए, तो बाकी का पीछे का जो पार्ट होगा वो निकल जाएगा। तो आपको ये सॉन्ग जो है उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपने सिलेक्ट कर दिया, फिर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो कई बार अपने आपके प्रोजेक्ट में आपका जो थीम है उसके हिसाब से आपको छोटे छोटे क्लिप्स चाहिए म्यूज़िक के, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इस म्यूज़िक को जो है आप फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। जैसे कि इसको है आपने फेड इन जो है वो स्लो किया, सॉरी फास्ट कर दिया, और फेड आउट फास्ट की जगह स्लो करते हैं, धीरे धीरे वो हो जाएगा स्लो। और इसका म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप प्ले करेंगे
अगर आप स्लो करेंगे तो आप देखते हैं कितना इफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से आप जो है इसमें इफेक्ट फेड इन फेड आउट जो है वो भी डाल सकते हैं, इसी के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको हमको कई बार यूज़ करना पड़ता है, कि जैसे कि यहाँ पे हमको कुछ बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तो हमको म्यूज़िक उस टाइम नहीं चाहिए, या तो म्यूज़िक चाहिए पर उसका हमको वॉल्यूम एडजस्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ से हमने स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे हमने म्यूज़िक सिलेक्टेड रखा है तो उस खाली म्यूज़िक ही स्प्लिट होगा, तो यहाँ से वो कट हो गया। और इतना जो है वहाँ पे हम कुछ डायलॉग बोल रहे हैं, या तो हमको ये म्यूज़िक रखना ही नहीं है, तो अगर इनके डायलॉग बोल रहे हैं तो उसको आप वॉल्यूम को स्लो कर दें, या तो उसको भी फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, या तो पूरे म्यूज़िक को यहाँ से निकाल ही दें। और ये थोड़ा सा आगे आ गया तो आप इसको पीछे कर सकते हैं। और ये जो आपका जो है आपको गैप मिल गया यहाँ पे बीच में, बिकॉज़ आपने वो स्प्लिट कर दिया था, तो उतना पार्ट जो है आपने निकाल दिया था, तो उसके हिसाब से जो है आप स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, स्टार्ट एंड पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। और अभी आगे एक वीडियो में स्पेसिफिकली वो भी देखेंगे कि भाई म्यूज़िक जब उसके बीट चेंज होता है उसके हिसाब से क्लिप और फोटोज़ कैसे डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जिससे कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट वीडियो में क्रिएट होता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी ये बेसिक फीचर है इसके, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये एक्चुअल में लीनियर वीडियो एडिटिंग टूल है, तो उसमें आपको प्रो जो वर्ज़न आते हैं, मतलब फाइनल कट प्रो या तो प्रीमियर प्रो, उसके जैसे मल्टी लेवल वीडियो एडिटिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते, मल्टी कैमरा एडिटिंग नहीं कर सकते, मल्टीपल म्यूजिक्स जो है डाल के उसको भी इतना एडजस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर, पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वो इसमें हम देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो ये इस वीडियो सीरीज़ को आप देखते रहें और सीखते रहें।